दोस्तों जी, तो बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं बना रही हूँ अभी खाना। आज मैं बना रही हूँ मंगूचियाँ। सिंपल तरीका है, जिनको पता होगा उनको तो पता ही होगा कैसे बनती हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो जी, ये है मंगूचियों का बैटर या दाल पिसी हुई कह लें। ये है येलो वाली दाल, ये मैंने ले लिए अराउंड 2 कप्स और इसको मैंने पीस लिया है। पहले मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था 15 से 20 मिनट, उसके बाद जब ये फूल गई इसको अच्छे से मल मल के वॉश करके उसका पानी निकाल के मैंने इसको दरदरा पीस लिया है चॉपर में। इसमें मैंने डाली है हरी मिर्चें 4 से 5 एंड हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है, ठीक है। और यहाँ मैं इनको कर रही हूँ फ्राई। और मंगूचियाँ फ्राई करने से पहले मैंने इसका जो है शोरबा जिसका बनना था वो मैंने तैयार करके रख दिया मसाला भून के। बस प्याज नॉर्मल मैंने पीस ली थी, एक इतनी बड़ी मीडियम साइज़ की ना, मतलब प्याज पीस ली थी, और इसके अंदर मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर ये सब डाल के एंड मैंने इसको भून के रख लिया है। बस जब मंगूचियाँ फ्राई हो जाएंगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी एंड ये मंगूचियाँ हम उस पानी में डाल के पका लेंगे इनको। तो जी, यहाँ पे मैंने, क्योंकि गैस जो है वो बस इसी चूल्हे पे सही आ रही है तो जिसपे मंगूचियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पे मैंने सिलेंडर पे रख दिया है पानी डालकर शोरबा पकने के लिए। शोरबे में उबाल आएगा तो बस ये मंगूचियाँ होने वाली हैं, फिर हम डाल देंगे उसके अंदर। तो ये देखें, इस तरीके से गोल्डन फ्राई करके मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। नमक भी चढ़ रही थी कि ज़्यादा तेज़ ना हो, मैं पर सोहा नहीं खा पाती। आप इसको कभी ऐसे ही शाम के नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो है मंडे, आ मेरे पास। अम्मा तो मेरे झूले में नहीं है। ओ मेरी अम्मा झूले में नहीं है। नहीं, अम्मा झूले में नहीं है। तो जी, ये बढ़िया तैयार हो गई हैं। बढ़िया बोल रही हूँ, मंगूचियाँ। तो ये मैं खाऊंगी, और सोहा का जी मूड हो रहा था चीनी का पराठा खाने का, तो मैंने इनको चीनी का स्क्वायर पराठा बना के वर्कआउट कर लिया है। वर्कआउट करने के बाद गाड़ी चली जाए, वर्कआउट करने के बाद मैं नहाई हूँ और मैंने अपनी नी में जो है ना तेल लगाया। अम्मी ने मुझे कोई सा तेल बना के दिया है, जो मेरी नी इंजरी है ना वो अभी जैसे मौसम चेंज हुआ है ना तो बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। तो फिलहाल मैंने अभी वो मसाज किया, इसलिए मैं ये बाथरोब में ही हूँ। बस अभी थोड़ी देर में चेंज करती हूँ एंड देन फिर देखेंगे कि शाम के खाने में क्या पकाना है। चल, कौन आ गया ऑफिस से? अब्बा। चेयर क्यों गिरा दी है? चेयर तो सीधी रखो, अब्बा के साथ पजल्स बना रही हो। आज खाने में बन रही है जी मिक्स सब्जी। मैंने सारी सब्जियां काट के टमाटर पीस के मैंने डाल दिए हैं। ये थोड़ी सी सूखी, वो सी सूखी बोल रही हूँ, गीली मेथी 10 रुपए की बस, और मैंने इसमें नमक डाला है और कुटी लाल मिर्च डाली है। बस अब हम इसको ढक देंगे पकने के लिए मीडियम आंच पर। बाकी भगार के लिए मैंने ये लहसुन सारे छीलनी है, अब इनको करेंगे हम चॉप। और हल्के से तेल के अंदर हम ये डालेंगे लहसुन और मिर्चें लाल करेंगे, काली करेंगे लाल मिर्चें जो हैं, एंड देन इसको भंगार लगाएंगे। तो मैं इसको कर लेती हूँ चॉप। ये जी लहसुन चॉप हो गया है। तो जी, यहाँ हमारा भंगार हो रहा है तैयार एंड सब्जी का भी ऑलमोस्ट पानी खुश्क होने वाला है। जी, ये भंगार हम इस पे डाल देंगे। इसी के साथ मैं व्लॉग को करूंगी एंड, क्योंकि बस खाना खिला के सोहा को सुलाऊंगी। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।